इसमें कोई शक नहीं कि चाइना जो है, जहां स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वहां पर ये जनरल जो कन्वेंशनल जो ड्रोन्स हैं उनको बना रहा है। इसी तनाजर के अंदर जो चाइना है, उसका बहुत ज़्यादा कीन फोकस है किस टेक्नोलॉजी के ऊपर, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेशली और स्पेसिफिकली जो सैटेलाइट ड्रोन्स हैं वो डिज़ाइन कर रहा है, ताकि दुश्मन के जो एरिया है उसके अंदर जो सर्विलियंस है, जो दुश्मन के जो टारगेट हैं उनकी लोकेशन का पता चलाना, उनके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का पता चलाना, उनके दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है उसके थ्रू जो है दुश्मन का जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है उसको, उसके डिटेक्शन करना और इसकी डिजिटल मैपिंग कर अपने जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको ये तमाम इन्फॉर्मेशन देनी, सेफ और साउंड, यानी दुश्मन की नज़रों से भी बचे रहना और दुश्मन की तमाम इन्फॉर्मेशन भी लेना और टारगेट्स को भी न्यूट्रलाइज करना। ये जो ड्रोन्स हैं चाइना, ये सैटेलाइट ड्रोन जो है वो डिज़ाइन कर रहा है, और स्पेशली इसमें दो जो ड्रोन्स हैं वो काबिले ज़िक्र हैं, CH-6 और CH-7 जो ड्रोन्स हैं चाइनीज़, ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मुजीन ड्रोन हैं और ये बेपना कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, और ये ना सिर्फ सर्विलेंस कर सकते हैं, मल्टीपल जो ऑपरेशन हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हर किस्म के जो मौसमी हालात हैं उनके अंदर अपने जो ऑपरेशन हैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सर्विलेंस भी करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करते हैं, और दुश्मन के टारगेट्स को महवे परवाज होते हुए न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इन ड्रोन्स को मज़ीद एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए, आपको इस चीज़ का इधर को फहम होना चाहिए कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या होती है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ये होती है कि जो ड्रोन होता है उसकी जो शेप होती है, उसका जो दीगर डायमेंशंस होती हैं, स्पेशली उसके जो विंग स्पेन होते हैं, उसके अलावा उसके जो एरोडायनामिक फ्रेम होता है, उसका जो शेप होती है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, और उसके अंदर जो मटेरियल यूटिलाइज होते हैं, ऐसे मटेरियल को यूटिलाइज किया जाता है कि कोई भी दुश्मन का जो रडार सिस्टम है या उसका इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन मैकेनिज्म है, वो जो ड्रोन है उसको डिटेक्ट ना कर पाए किसी भी सूरत के अंदर। अगर डिटेक्ट कर रहा है तो उसका रडार जो क्रॉस सेक्शन है वो मिनिमाइज हो, ताकि जो ड्रोन है वो सेफ और साउंड सर्वाइव कर सके दुश्मन की एयर स्पेस के अंदर, दुश्मन की जो सर्विलेंस एरिया है जहाँ पर वो सर्विलेंस कर रहा है, अपने इंटेलिजेंस जो ऑपरेशन है उनको कंडक्ट कर रहा है, या दीगर जो ऑपरेशन कर रहा है दुश्मन के जो एरिया ऑफ विसिनिटी के अंदर। नाज़रीन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर जो है डिफरेंट टैक्टिक्स और टेक्निक्स और मेथियोलॉजीज को यूटिलाइज किया जा सकता है, और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि जब रडार की ट्रांसमिशंस उसके एरोडायनामिक फ्रेम या उस मटेरियल से स्ट्राइक करती है, टच होती है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है डिफरेंस जो अदर जो साइड्स हैं, अदर जो डायरेक्शन है उस तरफ, यानी जो रडार की डिज़ायर ट्रांसमिशन है, यानी वो रडार ट्रांसमिशन करे और वो रिफ्लेक्ट हो उसके सिमिलर वे के ऊपर, जो उसकी एको है वो रडार का रिसीवर रिसीव करे। लेकिन ऐसा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं होता, क्योंकि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जब उस मटेरियल से स्ट्राइक करती है, उस एरोडायनामिक फ्रेम से स्ट्राइक करती है, तो वो दीगर जो डायरेक्शन होती हैं, सिमटें होती हैं, उस तरफ रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे जो रडार की रिसीविंग एको है वो बहुत ज़्यादा या तो कमज़ोर होती है या वो रडार जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। और यही वजह है कि जो ड्रोन्स हैं ये चाइनीज़ CH-6 और CH-7,
ये उनकी पकड़ में नहीं आते, वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, कोई भी रडार सिस्टम, कोई भी डिटेक्शन मैकेनिज्म। जहाँ तक दूसरी टेक्निक या मेथियोलॉजी या टैक्टिक्स की बात है, ओ तो जो स्ट्रीट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ऐसे मटेरियल्स को यूटिलाइज किया जाता है कि जो रडार ट्रांसमिशन कर रहा होता है फॉर डिटेक्शन सर्च आउट कर रहा होता है और मुसलसल जो कंटिन्यू ट्रैकिंग कर रहा होता है किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एयर स्पेस के अंदर, होता ये है कि जब ट्रांसमिशन जो CH-6 या CH-7 जो ड्रोन हैं चाइनीज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मुजयन, इनसे ट्रांसमिशन रडार की टकराती है तो वो जो मटेरियल है इस ड्रोन का वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, यानी जज़्ब कर लेता है। अब जब जज़्ब कर लेता है जो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, उसको जब वो जज़्ब कर लेता है तो वो जो सिग्नल है रिफ्लेक्टिंग सिग्नल जिन्होंने रडार के पास वापस जाना है और उसके किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में उनको अतला देनी है, मालूमात देनी है, उसके टेक्निकल पैरामीटर देने हैं, वो वापस जाती नहीं। और यही वजह है कि इस टेक्निक से भी ये जो दोनों ड्रोन्स हैं ये बच जाते हैं दुश्मन की नज़रों से और अपने जो ऑपरेशन है उनको सक्सेसफुली कंडक्ट करते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक जिक्र है चाइनीज़ ड्रोन CH-6 का, तो ये मीडियम अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड के ऊपर अपनी परवाज जारी सारी रखता है और इसकी जो एंड्योरेंस है वो लॉन्ग एंड्योरेंस है और ये जो मल्टीपल मिशन जो है उनको एज पर डिज़ायर इंटेंशंस और ऑब्जेक्टिव उनको उनकी कंप्लीशन कर सकता है। इसके अलावा इसके ये जो कैरी कर सकता है किसी भी चीज़ को, वो 2000 किलोग्राम की जो कोई भी वेपन्स हो सकते हैं या फिर दीगर जो वेपनरी हो सकती है उसको कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसकी जो इंड्योरेंस है, यानी ये इंड्योरेंस कहते हैं कि कोई भी एयरक्राफ्ट जो एयर स्पेस के अंदर जो अपना ऑपरेशन करता है वो किस टाइम तक कर सकता है, यानी टाइम पीरियड तक कर सकता है, तो ये 20 घंटे तक जो है अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने कर सकता है और उसके बाद सक्सेसफुली लैंड हो सकता है सेफ और साउंड। जहाँ तक CH-6 की ऑपरेशन रेंज की बात है तो ये 1200 किलोमीटर तक किसी भी ऑपरेशन को कंडक्ट करने की कैपेबिलिटीज रखता है। इसके अलावा ये जो ड्रोन है जदीद एवनेक्स जो सिस्टम्स हैं, नेविगेशन सिस्टम है, गाइडेंस सिस्टम्स हैं और दीगर जो इंफ्रारेड सिस्टम है, ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं और रडार्स हैं और वेदर सिचुएशन को इंडिकेट करने वाले दीगर जो सेंसर इंस्ट्रूमेंट हैं और नाइट विजन की कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं इन ड्रोन्स के अंदर, स्पेशली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ CH-6 के अंदर। और इसके अलावा जो CH-7 है, वो जो ड्रोन है चाइना का, वो भी सिमिलर कैपेबिलिटीज़ का मालिक है, लेकिन ये जो CH-7 ड्रोन है, सैटेलाइट ड्रोन है, ये इसको डिज़ाइन किया गया है हाई अल्टीट्यूड के जो ऑपरेशन है उनको कंडक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो लॉन्ग एंड्योरेंस है, यानी ज़्यादा टाइम के लिए दुश्मन के जो एयर स्पेस है उसके ऊपर परवाज की जाए ताकि दुश्मन की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और दीगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो उनकी इंस्टॉलेशन है, इसके अलावा दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है उनको उनकी डिटेक्शन की जाए दुश्मन की नज़रों से ओझल रहकर। और नाज़रीन, यही वजह है कि CH-7 जो चाइनीज़ सैटेलाइट ड्रोन है, इसके जो फ्लाइंग विंग हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो हाई सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ वो फ्राहम करे और इसके जो विंग स्पेन है वो 26 मीटर्स इसकी जो वो डायमेंशन है। CH-7 जो ड्रोन है चाइना का सैटेलाइट, इसको डिज़ाइन किया गया है मिनिमाइज रडार सेक्शन के लिए ताकि जो रडार की ट्रांसमिशन है वो डिफ्लेक्ट हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके और दुश्मन को इसकी मौजूदगी का पता ना चल सके। और यही चीज़ इसको इनहाइंसिंग
सर्वाइबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। और इसका जो विंग स्पिन है वो 22 मीटर्स है और इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर्स है। और ये जो ड्रोन है टेक ऑफ, इसका जो वेट है टेक ऑफ टाइम के ऊपर जो इसका वेट होता है वो तकरीबन 13,000 किलोग्राम है। और इसकी जो स्पीड है वो 885 किलोमीटर पर आवर्स है। और इसकी जो ऑपरेशन रेंज है वो 3500 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर से भी अबव ये अपने ऑपरेशन जो है उनको कंडक्ट कर सकता है। और इसका जो आल्टीट्यूड है वो 32,800 फीट तक जो आल्टीट्यूड है, बुलंदी है, इस बुलंदी पर जाकर अपने ऑपरेशन जो है उनको कंडक्ट करने की कैपेबिलिटीज रखता है। जहां तक ये इसके पेलोड की बात है तो ये पेलोड कैरी कर सकता है यानी वेपन्स। पेलोड किसको कहते हैं? वेपन्स, डिफरेंट किस्म के जो वेपन्स हैं जिनमें मिसाइल हैं, गाइडेड लेज़र, गाइडेड जो बम हो सकते हैं, इसके अलावा दीगर जो वेपनरी हो सकती है वो 4000 LBS है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।